हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमपी पटवारी एग्जाम 2017 के 10 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं और इन सभी को हम आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे, और इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पटवारी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी है। एक्चुअली ये जीडीपी नहीं है, ये जीडीपी की ग्रोथ रेट है। तो इसका जो आंसर है वो है 7%। ये इसका आंसर है, क्योंकि जीडीपी जो है वो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और मोदी सरकार के आने के बाद जीडीपी के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गेहूं के साथ बोई जाने वाली मिश्रित फसल फसल कौन सी है। तो गेहूं के साथ बोई जाने वाली मिश्रित फसल जो है वो है सरसों। मानव विकास सूचकांक में भारत की दर क्या है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसमें ये बताया जाता है कि किसी देश के पास कितनी वर्किंग कैपिटल है, पर कितनी वर्किंग ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, तो इसमें इसकी ये रिपोर्ट आई थी एक्चुअली, तो उसके हिसाब से इसकी जो दर है वो 0.624% है, या 0.624 इसकी इसका जो रेट है वो है 0.624। सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल, ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली गेहूं इसका आंसर होगा, गेहूं इसका आंसर होगा। मनरेगा में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मनरेगा जो है वो महात्मा गांधी से महात्मा गांधी के नाम पर ये एक योजना है, और इसमें रोजगार दिया जाता है, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिया जाता है, तो इसमें 33% इसमें रिजर्वेशन है महिलाओं का, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लोक सेवा रोजगार गारंटी किस राज्य से प्रारंभ हुई, तो डेफिनेटली ये एमपी से प्रारंभ हुई, एमपी इसका आंसर है। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, पंचायत का कार्यकाल जिस तरीके से लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, उसी तरीके से 5 वर्ष का पंचायत का कार्यकाल होता है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सरपंच बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 21 साल। सरपंच बनने के लिए मिनिमम आयु जो है वो 21 साल है। जय संहिता का दूसरा नाम क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत इसका आंसर है, जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम है। बालाघाट, ये एमपी का एक शहर है, बालाघाट शहर किस नदी के किनारे है, ये ज़्यादा फेमस नहीं है इसलिए पूछा गया है आपकी अवेयरनेस चेक करने के लिए, तो बैन गंगा, बालाघाट शहर बैन गंगा नदी के किनारे है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी इसका आंसर होगा, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसमें से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन आगामी जो पटवारी के एग्ज़ाम है उसमें रिपीट होंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन। 2011 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट, मतलब 1,000 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये है 69.8%, 69.8%। तो 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से, उसके अनुसार जो भी फैक्ट्स हैं पर्टिकुलरली एमपी के, चाहे वो जेंडर रेशियो हो या लिटरेसी रेट हो या आपका एजुकेशन कितनी है, कितने कॉलेजेस हैं, ये सारे डेफिनेटली आपसे नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 2011 की जनगणना के जो फैक्ट्स हैं उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, पर्टिकुलरली एमपी के, उसमें से कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। भीम बैठका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, भीम बैठका ये एक एमपी में है, और बहुत यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं, शैल चित्र के लिए ये चीज, ये जगह जो है ये प्रसिद्ध है। किस पूर्व खिलाड़ी को खेल मंत्री नियुक्त किया गया है, राज्यवर्धन राठौर, ठीक है, ये इसका आंसर है, राज्यवर्धन राठौर। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। कागज का कारखाना कहाँ स्थित है, नेपा नगर, ये तो क्वेश्चन काफी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, नेपा नगर इसका आंसर है। तो ये 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, और आगे इस वीडियो में मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, 35 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लिए हैं। 2014 में किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, माइनॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, 2014 में, तो इसमें है जैन,
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन B1 इसका आंसर है। ठीक है, एक स्कर्बी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, वो भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, वो विटामिन सी के कमी से होता है। दो स्वरों के मेल से कौन सी संधि बनती है? दो स्वरों के मेल से कौन सी संधि बनती है? दीर्घ संधि। ये हिंदी का क्वेश्चन है, नौ दो ग्यारह होने का क्या मतलब होता है? वह है नौ दो ग्यारह हो गया। ठीक है, तो नौ दो ग्यारह का मतलब होता है भाग जाना वहां से, रफू चक्कर हो जाना। मठ की स्थापना किसने की थी? मठ की स्थापना की थी शंकराचार्य ने। मठ की स्थापना किसने की थी? मठ की स्थापना की थी शंकराचार्य ने। नौ दो ग्यारह होने का क्या मतलब है? भाग जाना। ठीक है, ये कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं इसमें। मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश थे हिदायतुल्ला। और अभी 9 दिसंबर को पूछा गया था कि एमपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो एमपी के डेफिनेटली काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, बाघ दिवस। लॉगिन करने के लिए आवश्यक होता है, लॉगिन करने के लिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, लॉगिन करने के लिए आवश्यक होता है यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, यूज़र नेम नॉर्मली ईमेल आईडी होता है और एक पासवर्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नहाया नहाया धोया में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ये हिंदी का क्वेश्चन है। सतना में गोलमात कहाँ है? इसका आंसर अवेलेबल नहीं है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? थार रेगिस्तान राजस्थान में है। मंगलनाथ मंदिर कहाँ है? ये भी एमपी का क्वेश्चन है, उज्जैन में है मंगलनाथ मंदिर। राजा छत्रसाल की समाधि कहाँ है? राजा छत्रसाल की जो समाधि है वो है आपका छतरपुर में। गिरधर का समास विग्रह, एक ये क्वेश्चन है, ये हिंदी के क्वेश्चन है, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है। और तीव्र का विलोम क्या होगा? तीव्र का विलोम क्या होगा? ये ऑप्शन इसके अवेलेबल नहीं है, तो ये हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं। कौन सी नदी गांधी सागर अभयारण्य को दो भागों में बांटती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका चंबल नदी। रेल संग्रहालय कहाँ पर है? रेल म्यूजियम जिसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है, न्यू दिल्ली इसका आंसर है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, प्रेजेंट में कौन है? तो इसका आंसर है हेमंत गुप्ता। वेबसाइट बनाए जाने के लिए कौन सी भाषा उपयोग की जाती है? जावा स्क्रिप्ट का इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो ये 35 क्वेश्चन मुझे मिले हैं एमपी पटवारी के, तो इनको हमने डिस्कस किया है। आगामी एग्जाम के जैसे ही क्वेश्चन मुझे मिलते जाएंगे, उनको मैं अपलोड करूंगा और उनको आप देख सकते हैं। एमपी पटवारी एग्जाम के लिए यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो 99 रुपीज़ में इस वेबसाइट से आप ले सकते हैं, myeaclasses.com। और यहाँ पर दूसरे एग्जाम्स जैसे SSC, बैंकिंग और दूसरे जो भी एग्जाम है, उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप साइन अप करके 99 रुपीज़ में यहाँ से टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। तो ये थे 35 क्वेश्चन जो 10 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं एमपी पटवारी एग्ज़ाम में। बाकी के शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं और दूसरी डेट्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं जल्दी से जल्दी इस चैनल पर अपलोड करूंगा। इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। इंग्लिश का पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो या SSC एग्ज़ाम हो या दूसरे सभी एग्ज़ाम हो। तो इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो और उनको भी इस चैनल के बारे में पता पड़े। तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।